स्टूडेंट्स, आज ये क्लास जो रिकॉर्ड हो रही है ये मैथ्स हमें सेकंड सेमेस्टर री एनालिसिस में हमारा इनफाइनाइट सीरीज टॉपिक चल रहा था, ठीक है। तो ये हम कर रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज के अंदर स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज के अंदर कॉचीज मैक्लोरियन इंटीग्रल। आज का जो टॉपिक है ये है कॉचीज मैक्लोरियन इंटीग्रल, इसको कॉचीज इंटीग्रल के नाम से भी जानते हैं। मैक्लोरियन इंटीग्रल टेस्ट, कॉचीज मैक्लोरियन इंटीग्रल टेस्ट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस। इसके अंदर सबसे पहले डेफिनेशन बेटा, इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती है। कहता है आप किसी को भी इंटीग्रेट कर रहे हो a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दिस विल बी सेम एज लिमिट t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a से t एफ ऑफ एक्स डी। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, राइट। एक और डेफिनेशन है जो आपके काम आएगी बेटा, जो इंटीग्रल है a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, दिस इंटीग्रल इज सेट टू कन्वर्ज। हाँ, जब इसका फाइनाइट आंसर आ जाएगा, कन्वर्ज इफ इट हैज अ फाइनाइट वैल्यू। यस, अगर फाइनाइट वैल्यू आएगी तो कन्वर्ज करेगा बेटा, और इनफाइनाइट वैल्यू आएगी तो डाइवर्ज, एंड डाइवर्जेस इफ इट इज प्लस माइनस इनफिनिटी, तो वो डाइवर्ज करे। तो मतलब इंटीग्रल का आंसर अगर फाइनाइट आएगा तो ये कन्वर्ज करेगा, अदरवाइज क्या करेगा बेटा, ये डाइवर्ज करेगा, ठीक है बेटा, अदरवाइज ये डाइवर्ज करेगा। तो ये दरवाजा बंद कर देंगे आप। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन, क्या कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट कह रहा है उस पर मूव करते हैं। मूव टू द सेकंड स्लाइड, ये थ्योरम क्या कहती है। कहता है लेट ए एक्स बी पॉजिटिव, लेट ए एक्स बी पॉजिटिव डिक्रीजिंग एंड इंटीग्रेबल। जो ए एक्स है आपका पहली कंडीशन, बच्चों ये कंडीशन ध्यान रखना है सबको, ए एक्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए और इंटीग्रेबल होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए मेरी, यहाँ तभी लगा सकते हो आप, वरना नहीं लगा सकते। किस इंटरवल में, वन से इन्फिनिटी, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, वन से। हाँ, वन से इन्फिनिटी फॉर ईच एन बिलोंग्स टू वेयर नेचुरल नंबर। लेट, हम क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम लोग ए एन को ही ए एक्स मान रहे हैं, फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपको समझा देते हैं, ठीक है। देन द सीरीज, तो क्या कहना चाहता है एग्जाम्पल, देन द सीरीज ए एन वेयर एन वेरी फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एंड द इंटीग्रल सीरीज और इंटीग्रल, हाँ जी, एंड द इंटीग्रल 1 to infinity ax dx either both converges or both diverges, either both converges or both diverges। तो I hope ये मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। एक बात बताओ, ये integral converge कब करेगा, ये integral converge करेगा जब answer finite आएगा। तो अगर integral converge करेगा तो series भी converge करेगी, yes। अगर इंटीग्रल का आंसर इनफाइनाइट आ रहा है तो इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा, तो मतलब सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। तो हम यहां पर इनफाइनाइट सीरीज का कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रल, लेकिन ये तीन कंडीशंस हमारी सेटिस्फाई होनी चाहिए। जो फंक्शन है ए एक्स वो पॉजिटिव डिक्रीजिंग और इंटीग्रेबल होना चाहिए, हाँ जी, तभी ये बात सही है, अदरवाइज तो मजा नहीं आएगा इस क्वेश्चन में फिर। चलिए लेट्स डू सम क्वेश्चन, और हाँ जी, इसका प्रूफ नहीं है, ओनली स्टेटमेंट है हमारे कोर्स में बेटा।
देयर इज नो प्रूफ ऑफ दिस राइट, सिर्फ स्टेटमेंट है हमारे पास। तो आपका बहुत इजी एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल नंबर वन राइट, इंटीग्रल टेस्ट से करना है। हमारा क्वेश्चन है 1/n² + 1 ए। हम इसको किसी और टेस्ट से भी कर सकते हैं क्योंकि अभी अभी हमने कॉचेज इंटीग्रल टेस्ट पढ़ाया, तो इसका उसका इस्तेमाल कर रहे हैं राइट। तो ये क्वेश्चन था, चलो सॉल्यूशन के लिए कलर कुछ और ले लेते हैं, लेट्स टेक ब्लू कलर फॉर द सॉल्यूशन राइट, ब्लू कलर। तो वे डिफाइन ए एक्स डिफाइन करते हैं पहले यहां से। तो क्या ए एक्स हमारा 1/x² + 1 हो जाएगा ऑन विच इंटरवल बेटा, 1 से इनफिनिटी? यस ओके, क्लियरली ये तो साफ साफ दिख रहा है आपको क्योंकि x जो है 1 से इनफिनिटी में है, ए एक्स आपका पॉजिटिव हो गया, ये तो साफ साफ दिख रहा है। और 1/x² + 1 की 4 है तो डिक्रीजिंग है, और पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेबल है ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेबल है ठीक है बेटा, इंटीग्रेबल ऑन दिस इंटरवल। तो मैंने तीनों बातें क्यों सेटिस्फाई कर दी? ऑफकोर्स एक्स अगर 1 से इनफिनिटी में है तो ए एक्स भी बड़ा होगा, हाँ जी पॉजिटिव होगा, 1/n की फॉर्म में डिक्रीजिंग है साफ साफ दिख रहा है, और एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेबल है बच्चों ठीक। तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें इंटीग्रल का आंसर निकालना होगा स्टूडेंट्स, तो ये इंटीग्रल का आंसर क्या आएगा देखिए, तो लेट्स स्टार्ट विद द इंटीग्रल, इंटीग्रल 1 से इनफिनिटी 1/x² + 1 dx। तो क्या मैं इसको टेन इनवर्स x बोल सकता हूं बच्चों, x हाँ जी 1 से इनफिनिटी बोल सकता हूं मेरे बेटा इसको, यस बोल सकते हैं टेन इनवर्स x 1 से इनफिनिटी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है बेटा, लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी tan इनवर्स x 1 से t, हाँ जी ऐसे भी लिखा जाता है, और हम इसको लिख सकते हैं लिमिट t अप्रोचेस टू इनफिनिटी tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी, इनफिनिटी कब आएगा 10π/2 पे, तो 10π/2, और 1 कब आएगा बेटा 10π/4 पे, 10π/4 पे 1 आ गया देखिए है ना, वेरी गुड। तो देखो इससे ये कट जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा π/2 - π/4, तो जिसको हम π/4 बोल सकते हैं, π/2 - π/4 आंसर आ गया हमारा π/4। तो इसका मतलब आंसर फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है ये बता दो बस बच्चों, हम लोग आंसर फाइनाइट है, तो इसका मतलब इंटीग्रल क्या करेगा बेटा, तो 1 से इनफिनिटी 1/x² + 1 कन्वर्जेस। तो अगर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, तो सीरीज 1/n² + 1 भी क्या करेगी मेरे बेटा, कन्वर्ज करेगी। यस हमें बस ये चेक करना था आंसर कैसा आएगा इंटीग्रल का, फाइनाइट आया है कि इनफाइनाइट है। यहां कुछ बात बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, में आपको छोटी छोटी सी बातें होती हैं कई बार हम लोगों को याद नहीं रहती हैं, तो ये नोट याद रखिएगा सारे बच्चों, जब भी ये क्वेश्चन करें आप, इस पे एक क्वेश्चन आता जरूर है, तो इन्फिनिटी की पार के इज इन्फिनिटी अगर के जीरो से बड़ा होगा, एंड जीरो इफ के इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू नहीं आएगा बेटा यहाँ पर आपका, यहाँ सिर्फ लेस देन ही आएगा। हाँ थैंक यू, तो देयर इज नो इक्वल टू हियर, तो इनफिनिटी के पास राइट, तो ये याद रखेंगे अपन लोग अब से आगे से। तो बहुत इंपॉर्टेंट, आपने याद किया होगा मेरे से कि कभी पी सीरीज का प्रूफ पूछा होगा, तो आज मैं आपको पी सीरीज का प्रूफ कराने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स, और वो प्रूफ करा रहा हूँ मैं कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट की मदद से, तो जो कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हाँ जी पी सीरीज का प्रूफ कराने जा रहा हूँ, सीरीज 1/n^p कन्वर्जेस इफ पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ पी लेस देन इक्वल टू 1। यस स्टूडेंट्स यही केस कराने जा रहा हूँ राइट। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले हमें फंक्शन डिफाइन करना पड़ता है, ए एक्स लेट दिस ए एक्स बी 1/x^p on x belongs to 1 to infinity है ना,
तो अब बताओ पहले, सबसे पहले क्या ये ax इज पॉजिटिव? यस, क्योंकि x तो नेचुरल नंबर है, पॉजिटिव है, वन अपॉन की फॉर्म में डिक्रीजिंग है, x टू द पावर p है, बीइंग पॉलिनोमियल ये इंटीग्रेबल भी है, तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट के लिए सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, राइट? अगर सेटिस्फाई हो रही हैं तो लेट्स स्टार्ट विद केस वन स्टूडेंट्स। हम केस वन से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। केस वन में लेके चलते हैं कि पी वन के बराबर नहीं है। ओके जी, नहीं होगा कोई बात नहीं, इंटीग्रेट करते हैं इसको। वन से इन्फिनिटी, वन अपॉन एक्स टू द पावर पी डी एक्स, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो वन माइनस पी अपॉन वन माइनस पी आ ही जाएगा, आपको पता ही है, और लिमिट हम वन से इन्फिनिटी लगा ही देंगे, है ना बेटा? तो इसको ऐसे कर देते हैं, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, सो टी टू द पावर वन माइनस पी अपॉन वन माइनस पी माइनस एक्स को वन रखेंगे तो वन माइनस, ओके। तो ये हमारी इक्वेशन वन आ गई। अब हमें चेक करना है अगर इन्फिनिटी की पार कैसी होगी, उस पे सारा जवाब डिपेंड करेगा। तो आई होप ये इंटीग्रेशन समझ में आया होगा सबको। हाँ जी, आ गया होगा। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, अब टी की में वन माइनस पी, देखो टी इन्फिनिटी है, टी लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी हमारी बात। अब यहां से दो रास्ते खुलेंगे, अगर वन माइनस पी जीरो से बड़ा होगा तो ये इंटीग्रल का जो आंसर आएगा इनफाइनाइट आएगा। यस, कब आएगा? इफ पी इज लेस देन वन। और अगर वन माइनस पी लेस देन जीरो होगा, ये अभी अभी मैंने बताया, तो इस इंटीग्रल का आंसर फाइनाइट आएगा। वो तो क्या आएगा? फाइनाइट आएगा। तो कब? If p is greater than one, तो देखिए अब आप लगा करके लिमिट, तो इंटीग्रल में हम ये लिमिट लगा के देख लेते हैं आप, राइट? तो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, हमारा एक्सप्रेशन ये आया था, टी टू द पावर वन माइनस पी अपॉन वन माइनस पी माइनस वन अपॉन वन माइनस पी, तो विच इज इन्फिनिटी इफ पी इज लेस देन वन एंड विच इज फाइनाइट, क्योंकि जीरो आएगा ना जो भी आंसर है, फाइनाइट इफ पी इज ग्रेटर देन वन। तो देयरफोर स्टूडेंट्स, इंटीग्रल वन से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स टू द पावर पी डाइवर्जेस इफ पी लेस देन वन एंड कन्वर्जेस इफ पी ग्रेटर देन वन। तो बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, अगर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा तो सीरीज भी कन्वर्ज करेगी। तो वन अपॉन एन टू द पावर पी कन्वर्जेस इफ पी ग्रेटर देन वन। बेटा यहाँ इक्वल टू गलती से लग गया है, बेटा इक्वल टू वाला केस मैंने नहीं लिया है, आदत पड़ जाती है ना कई बार करने की, तो उस आदत के शिकार हो गए हम। तो डाइवर्जेस इफ पी इज लेस देन वन। तो ये केस वन था स्टूडेंट्स, जहां पर हमने प्रूव कर दिया अगर पी वन के बराबर नहीं है, ये तो वन से बड़ा होगा या वन से छोटा, वहां पर आ रहा है कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस की बात हो रही है वहां पर, राइट? तो हम वहां से चार साफ साफ देख पा रहे हैं कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर हम आगे देखते हैं इसमें, है ना? अभी आगे की बात चलती है हमारी। ओके, अब केस टू सेकंड लेना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स? केस टू क्या कहता है हमारा? केस टू कहता है बेटा कि इस बार सर जी पी वन है, ओके, हमें क्या प्रॉब्लम है? इंटीग्रल वन से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स डी एक्स, और वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, फिर वन से इन्फिनिटी, और लॉग इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, लॉग वन जीरो, राइट? तो ये तो है ना, तो ये इन्फिनिटी हो गया बेटा, ये तो अगर लिमिट फॉर्म लगाऊं तो मैं इसमें इरेज कर देता हूँ उसको, लिमिट लगा देते हैं, टी कर देते हैं जैसा हमने सजाने का वादा किया था, टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहा हूँ मैं इसको, वरना तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाएगी ऐसे। तो लॉग टी माइनस लॉग वन क्या होता है? जीरो, एंड विच कम्स आउट टू बी इनफाइनाइट। देयरफॉर इंटीग्रल वन टू इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स टू द पावर पी डाइवर्जेस इफ पी इज इक्वल टू वन।
बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट, बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट मेरे बच्चों, सीरीज 1 अपॉन एन टू द पावर पी ऑल्सो डाइवर्जेस इफ पी इज इक्वल टू। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको पी सीरीज का ये वाला प्रूफ बहुत आसान और बहुत इजीली आपने कर लिया। सिर्फ आसान क्या है इस क्वेश्चन में, आप सारे बच्चे इंटीग्रेशन का आंसर सिर्फ चेक करें, अगर आंसर फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्जेंस, इनफाइनाइट आ रहा है तो डाइवर्जेंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आएगा ही आएगा आपको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है, ये तो पहला दूसरा एग्जाम्पल था। तीसरा एग्जाम्पल क्या है इस पे, तीसरा एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, एग्जाम्पल नंबर थ्री। ऐसे आप जितने मर्जी एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो मुझे बोलता है कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, n 2 से इनफिनिटी 1 अपॉन n log n की पावर p। ये लो जी मैंने p के लिए खेल दिया फिर से। अब p के लिए क्यों खेल दिया, इसका फायदा है आप लोगों को बच्चों। हाँ मैं p के लिए बताऊंगा, p 2 होगा तो आप आंसर बता दोगे अपने, p 1 होगा तो भी आंसर बता दोगे, हाफ होगा तो भी। तो लेट्स टेक p की फॉर्म में, तो इससे काफी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। हाँ जी, तो पी की फॉर्म जनरल फॉर्म लेने में हमेशा हमें फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा स्टूडेंट्स। लेट्स टेक द जनरल फॉर्म हेयर ओनली, है ना। ओके तो सबसे पहले लेट्स डिफाइन ए एक्स, व्हाट इज ए एक्स, इज वन अपॉन एक्स लॉग एक्स टू द पावर पी, राइट। दिस इज ऑन विच इंटरवल, टू टू इन्फिनिटी। क्लियरली वी के वी नो हेयर स्टूडेंट्स, क्लियरली ax जो है आपका पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है एंड इंटीग्रेबल। कैसे, अब बच्चे बोले सर इंटीग्रेबल कैसे लिख दे रहे हो, डिक्रीजिंग जगह समझ में आ रहा है। अरे भाई एक लीनियर फंक्शन एक लॉगरिथमिक फंक्शन, और दोनों का ये लीनियर फंक्शन है तो वो भी इंटीग्रेबल है, लॉगरिथमिक है वो भी इंटीग्रेबल है, दोनों का प्रोडक्ट वो भी इंटीग्रेबल, उनका रेसिप्रोकल भी इंटीग्रेबल। तो इतनी अंग्रेजी लिखने का हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम तो बोल देते हैं समझ लिए बेटा टीचर जी, कुछ समझ लीजिए प्लीज आप ये क्यों इंटीग्रेबल है। तो हमारी पहली कंडीशन तो यहीं पे ही सेटिस्फाई हो जाती है। हाँ जी, अगर आपको चाहिए मैं बता दूं, देखो x किससे बड़ा बराबर है आपका 2 से, तो यहां पर log x लगा दो आप दोनों तरफ, log x बड़ा बराबर है log 2 से, और log 2 किससे बड़ा है 0 से, तो देखो पॉजिटिव तो होएगा ना, और x तो 2 से इन्फिनिटी है। तो मैं तो कह रहा हूं कुछ भी प्रूव करवाओ हम तो कर देंगे प्रूव। हाँ जी बच्चों हम तो सब प्रूव कर देंगे, राइट आप देखिए, ठीक है स्टार्ट करें फिर से वही अपना तरीका, पुराना तरीका, केसेस लेंगे। केस वन में हम क्या करेंगे बेटा, लेट पी इज नॉट इक्वल टू वन लेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, आई इंटीग्रल ले लेंगे टू से इन्फिनिटी वन अपॉन एक्स एंड लॉग एक्स की पावर पी डी एक्स, राइट बेटा ये कर दिया हमने। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं लिमिट t tends to infinity 2 से t 1 upon x। तो जो भी जिसकी भी पावर ये p होती है ना उसको लेट करना होता है बेटा, इन क्वेश्चंस का यही हिंट है, जिसकी भी पावर होगी उसको लेट करना होगा आपको। तो मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, आपको इजी रहेगा वरना मिक्स हो जाएगा। लेट्स टेक log x को यहां पर u मान लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात तो समझ में आ रही होगी, 1 upon x dx मस्ट बी डी यू। अरे हो गया काम अपना, तो लिमिट सिमिट चेंज कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट स्लाइड पे कर देता हूं मैं चेंज, है ना, लिमिट भी चेंज कर सकता हूं ना यहाँ पर। अगर x 2 होगा तो भाई u क्या होगा, log 2 होगा ना बेटा, और x अगर t होगा तो u क्या होगा, log t होगा बेटा। तो वो लिमिट चेंज कर दिया, अब आपके पास इंटीग्रल आया क्या, आपके पास आंसर आया लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो था ही पहले से ही आपके पास लॉग टू से लॉग टी और वन अपॉन यू टू द पावर पी डी यू आ गया, और फिर से इंटीग्रेशन यू टू द पावर वन माइनस पी अपॉन वन माइनस पी। स्टूडेंट्स लिमिट लगा दो आप यहां पर, लॉग टू से लॉग टी लगा दिया बेटा, अब आंसर लिख दो आप, 1 अपॉन 1 माइनस पी भाग कर देता हूं बेटा, इसको ऐसे कर देता हूं लॉग टी की पावर 1 माइनस पी माइनस लॉग 2 की पावर 1 माइनस पी अपॉन 1 माइनस पी,
तो बाहर ही आ गया बेटा, ये आपका आंसर आ गया। अब इस पे आप लगा दो लिमिट टी टेंड्स टू इनफिनिटी, अब चेक कर लो अपने आप अपना आंसर। लिमिट टी टेंड्स टू इनफिनिटी 1/(1-v)। ओके, तो लिमिट लगाने पे काम आ गया भाई अपना। तो क्या मैं इसको 0 log 2 की पावर 1 - p कर दूं? अगर 1 - p < 0 है तो दैट इज पी इज ग्रेटर देन 1। जिस आंसर को आप फाइनाइट भी बोल सकते हैं। और क्या आंसर आ जाएगा इसी में सेम? एक आंसर ये भी आ जाएगा 1/(1-p) इनफिनिटी माइनस लॉग 2 की पावर 1 - p। इफ 1 - p इज ग्रेटर देन 1 दैट इज p इज लेस देन, तो वो आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी बच्चों कि इनफाइनाइट आंसर आ रहा है तो डाइवर्जेंस, फाइनाइट आ रहा है तो कन्वर्जेंस। करेक्ट है ना मेरी बात? तो क्या ये बात बोल दे बेटा कि 2 से इन्फिनिटी तो पीछे जाना पड़ेगा बेटा। मैंने किसको क्या लिया देख लो एक बार, ए एक्स को लिया। अच्छा, 2 से इन्फिनिटी ए एक्स डी एक्स कन्वर्जेस इफ पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ पी लेस देन 1। यस, तो इसी तरीके से कॉची इज देयरफॉर बाय कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो ये सीरीज 2 से इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेस इफ पी ग्रेटर देन 1 एंड डाइवर्जेस इफ पी लेस देन 1। ये अभी एक केस हुआ है, अभी दूसरा केस भी लेना है, केस टू, जिसमें पी आपका भाई क्या हो जाएगा केस टू के अंदर पी इज 1। तो आपका इंटीग्रल अब ऐसा हो जाएगा लिमिट टी अप्रोचेस टू इनफिनिटी 2 to infinity 1/(x log x dx) ये हो जाएगा। फिर से आप लेट करोगे, लेट log x be u, तो 1/(x dx) विल बी डी यू। करेक्ट है बच्चों? हाँ, ऐसा ही करोगे आप बिल्कुल। और लिमिट सिमिट सब चेंज कर दोगे, तो लिमिट सिमिट सब चेंज करने के बाद आपका क्या जवाब आएगा बता। तो ये तो हो गया log 2, ओ टी लगाना था वहां पर। ओके वेट बेटा, यहाँ टी आएगा ना, क्योंकि मैंने तो इनफिनिटी को टी लिख दिया ना बेटा। टी तो log टी तो 1/(u du) और इसका आंसर तो log u होता है बेटा। फिर से लिमिट लगाएंगे log 2 से log t, फिर लिमिट t टेंड्स टू इनफिनिटी होगा बेटा log ऑफ log t माइनस log ऑफ log 2, यही तो आंसर आएगा बेटा। इन्फिनिटी लगाएंगे log इन्फिनिटी इन्फिनिटी है और फॉर इन्फिनिटी रहेगा, तो आंसर तो हर बार में इनफाइनाइट ही आएगा बेटा, बिकॉज log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी। तो इनफाइनाइट, तो ये इंटीग्रल डाइवर्ज करेगा। अगर ये इंटीग्रल मेरे बच्चे डाइवर्ज करेगा तो सीरीज भी क्या करेगी? डाइवर्ज बाय विच टेस्ट? कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट से ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी। क्या यही प्रूव करना था बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? देखो आप पीछे जाके पेज नंबर 7 से मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन, तो बताओ वही सेम पी सीरीज का प्रूफ है। तो क्या क्या कन्वर्ज करेगा, क्या डाइवर्ज करेगा? इसका मतलब पी अगर 2 होगा तो कन्वर्ज, 3 होगा कन्वर्ज, 3/2 कन्वर्ज, हाफ डाइवर्ज, 1 डाइवर्ज। तो कन्वर्ज किन किन पावर्स ऑफ पी पे करेगा बेटा? ये यहाँ बता ही देता हूँ एग्जामिनर को मैं, शर्माना क्या आपने को। तो ये कन्वर्ज करेगा अगर पी 2 है, 3/2 है, 5/2 है, इन सब पे कन्वर्ज करेगा। और डाइवर्ज कब करेगा? जब पी 1 है, पी 1/2 है, सो ऑन एंड सो ऑन। आगे बात समझ में कि नहीं आई बच्चों? तो देखो कितना आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर पाए बिना किसी दिक्कत के, है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऐसे ही होते हैं ये वाले सारे क्वेश्चन,
और ये एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर और जरूर आएगा बच्चों, ऐसा हो ही नहीं सकता कि नहीं आएगा। ठीक है, जैसे क्या क्या आ जाएगा, मैं आपके घर के लिए कार्य दे रहा हूं आपको कि आप खुद से कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। हाँ जी बेटा, खुद से हो जाएगा ये क्वेश्चन, 1/n log n। तो मुझे बताओ यहाँ p क्या है आपका? यहाँ पर p 1 है ना आपका, तो इसका मतलब डाइवर्ज करेगा, पता भी है डाइवर्ज करेगा, एकदम देखते हुए चल गया अपने को तो। ओके, n 2 से इनफिनिटी है, 1/n log n का स्क्वायर, ये भी क्या करेगा, डाइवर्ज कन्वर्ज करेगा बेटा, क्योंकि p 2 हो गया अब इसमें, है ना। पर इसमें एक स्पेशल क्वेश्चन देता हूँ बेटा, जो एग्जाम में पूछेगा, चांसेस है इनमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछे आपसे एग्जाम, एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, 1/n log n((p)) पर p < 0, ये जरूर पूछेगा आपसे। तो मैं फिर से बताता हूं, इस क्वेश्चन का हिंट दे रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही होगा। हिंट क्या है, बस जो ब्रैकेट के अंदर है इसको लेट करना, आपका सेम पी सीरीज का प्रूफ बन जाएगा। आपको log(log n) को यू लेट करना है, log(log n) को यू लेट करना है, तो log x बन जाएगा सॉरी, फिर है ना। तो डिफरेंशिएशन करो तो 1/(log x), log x का 1/x, dx = du। तो ये x log x आपका जो एक्सप्रेशन बचेगा बाद में, वो ये बचेगा मेरे बेटा, 1/(u^p)। तो ये पी सीरीज है बेटा, फिर आप पी सीरीज से आसानी से कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें भी वैसा ही है, अगर p 2 से बड़ा हो, 1 से बड़ा होगा तो कन्वर्ज आएगा, और 1 से छोटा या बराबर होगा तो डाइवर्जेंस आएगा, सेम वही है बिल्कुल। तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जामिनर जरूर पूछता है बच्चों, जो कभी भी आप मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको करने ही चाहिए क्वेश्चन सारे के सारे। हाँ जी, ऐसा जरूरी नहीं कहीं पे एग्जाम में 3 भी दे रखा होगा तो 3 पे भी बात बन जाएगी, 4 दे रखा होगा 4 पे भी बन जाएगी। हाँ जी, तो ये था स्टूडेंट्स कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट। तो कॉचीज इंटीग्रल टेस्ट का ये मैंने आपका छोटा सा वीडियो था रिकॉर्ड कर दिया, जिसको मैंने आपके लिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग सीरीज, एक एक वीडियो छोटी छोटी बना रहा हूँ ताकि एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाए उसके अंदर आपको, और आप क्वेश्चंस भी ढंग से कर पाए, जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के हैं वो सारे कर पाए आप बेटा, दैट इज ऑल्सो माई एम हेयर, राइट। तो लेट्स डू, हम करते करेंगे अब हम